लेक्चर पार्ट फोर एंड दिस इज़ फीडबैक इनहिबिशन मीन्स के बताने वाला इनहिबिशन को बताने वाला और उसको रोकने वाला. दिस इज़ द फीडबैक इनहिबिशन. दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द फीडबैक इनहिबिशन डेफिनेशन, इट इज़ अ सेलुलर कंट्रोल मैकेनिज्म इन विच एन एंजाइम्स एक्टिविटी इज इनहिबिटेड बाय द एंजाइम्स एंड प्रोडक्ट. मीन्स हम कहते हैं कि हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन क्या है, ऐसा सेलुलर कंट्रोल मैकेनिज्म है जिसके अंदर जो एंजाइम एक्टिविटी है वो रुक जाती है बाय द एंजाइम्स एंड प्रोडक्ट, एंजाइम के एंड प्रोडक्ट से. बिकॉज हम कहते हैं कि प्रोडक्ट इन द पाथवे इटसेल्फ स्टॉप्स इस प्रोसेस, कि जो प्रोडक्ट बन रहा है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के रिजल्ट में, वो खुद ही अपने रास्ते में अपना प्रोसेस रोक देता है. दिस इज कॉल्ड अ फीडबैक इनहिबिशन. द मैकेनिज्म अलाउज द सेल टू रेगुलेट हाउ मच ऑफ एंजाइम एंड प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड. ये जो मैकेनिज्म है दैट इज़ अ फीडबैक इनहिबिशन, ये बताता है, मैकेनिज्म अलाउ करता है कि एंजाइम का एंड प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए. और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, मोस्ट माया जितनी भी बायो केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं उनके अंदर, ठीक है, मल्टी स्टेप उसके अंदर ये जो है वो काम आता है. इट रिक्वायरिंग द मल्टीपल एंजाइम टू गेट फ्रॉम स्टार्टिंग द सब्सट्रेट टू द डिजायर एंड प्रोडक्ट. टिपिकली द फीडबैक इनहिबिशन एक्ट ऑन द फर्स्ट एंजाइम यूनिक टू अ गिवन पाथवे. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ अमाइनो एसिड प्रोडक्शन, एंड अमाइनो एसिड मे बी एक्ट एज इनहिबिटर फॉर द फर्स्ट एंजाइम इन द पाथवे हूज पर्पज इज मेकिंग मोर ऑफ दैट अमाइनो एसिड. हम कहते हैं कि हमारे पास जो फीडबैक इनहिबिशन है वो अगर फॉर एग्जाम्पल पहले एंजाइम के ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो अमाइनो एसिड की फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन हो रही है और अमाइनो एसिड जो है इनहिबिटर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं पहले एंजाइम के ऊपर, तो वो रास्ते में उसका पर्पज़ ये होगा कि वो या तो और अमाइनो एसिड्स बनाए या उनको रोकते. तो ये जो है सारे का सारा काम फीडबैक इनहिबिशन कराता है, प्रोसेस होता है या मैकेनिज्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं, ठीक है, कि ये बैलेंस करे प्रोडक्ट प्रोडक्शन को या प्रोडक्ट जो हमारे पास बन रहा है उसको बैलेंस करे. तो हम सिंपल इसको कहते हैं देयर इज़ अ सेकंड बाइंडिंग साइट ऑन द एंजाइम वेयर द इनहिबिटर बाइट बाइंड्स so that the inhibitor is not necessarily similar to its structure. The absence or the presence of the inhibitor at this site means allosteric site activates or deactivates the enzyme by changing the conformation of the enzyme so that the active site is more available or unavailable to the substrate. ठीक है, allosteric की हम बात कर रहे हैं कि वो हमारे पास क्या होता है. इसके अंदर हम allosteric site को लेते हैं कि वहाँ पे आके inhibitor जो है वो attach हो जाते हैं, और जब inhibitor वहाँ पे आके attach हो जाते हैं तो at that time वो क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट होता है रास्ते में जो बन रहा होता है उसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, और मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर जो है वो हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मेटाबॉलिज्म वगैरह के अंदर जो है वो हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं इस फीडबैक इनहिबिशन को, कि बताता है कि क्या प्रोडक्ट बनना है क्या नहीं बनना या बनना ही नहीं है, ठीक है, हम इसके बारे में बताते हैं फीडबैक इनहिबिशन के अंदर. It is a cellular control mechanism in which enzyme activity is inhibited by the enzymes and product. The mechanism allows the cell to regulate how much of enzyme and product is produced, and it prevents the waste that occurs when more of a product is made than the cell needs. अगर cell की needs से ज़्यादा कोई product बन रहा होता है तो ये enzymatic activity को वहीं पर क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है, feedback inhibition का ये काम है, बताने वाला, रोकने वाला, ठीक है. And it prevents the waste that occur when more of the product is made than the cell need. It also prevents the harm when having too much of the pathways and product may actually be harmful to the organism. और दूसरी बात है कि जो product बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं और वो नुकसानदेह होते हैं किसी भी body के लिए, तो at that time the feedback inhibition जो mechanism है ये काम करने शुरू कर देता है, और यहाँ पे जाके जो इसके अंदर molecules होते हैं वो जाके क्या करते हैं, जो है वो उसको end product को रोकना शुरू कर देते हैं, और फिर वो harmful नहीं रहता हमारी body के लिए. द रिजल्ट ऑफ द फीडबैक इनहिबिशन इज दैट दिस अलाउज दैम टू एडजस्ट देयर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन हाउ मच ऑफ देयर एंड प्रोडक्ट इज नीडेड एंड प्रिवेंट देयर एंड प्रोडक्ट फ्रॉम बिल्डिंग अप ऑफ डेंजरस लेवल. मीन्स के हम सिंपली कहते हैं कि ये क्या करता है, मेरे पास एंड प्रोडक्ट बनाता है और बनाता नहीं है, जो प्रोडक्ट मेरे पास बन रहा होता है उसको रोक देता है रास्ते में. अगर पता चलता है कि प्रोडक्ट बनने से या एंजाइमेटिक एक्टिविटी होने से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म के अंदर हम देखा जाए तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा अल्सर और डिफरेंट डिजीज़ हो जाती हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर जो है फीडबैक इनहिबिशन काम करता है और रोकता है किसको, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने से. Okay, if you have any question then ask me, I'm always there for you. And your chapter 3rd jo hai wo kya ho gaya, complete ho gaya. Agar aapko koi masla hai to aap mujhse pooch sakte hain, theek hai, Allah Hafiz.